तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, तो सुबह हो गई गाइस और सी द फॉग हियर। तो अभी सुबह का माहौल कुछ ऐसा है और हमारा जो नाइट था वो काफ़ी ठंडा गुजरा है। रात में काफ़ी ठंड थी और जो मिस से है ना वो सारा बेड वगैरह भीग चुका था। और सुबह सुबह यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। सुबह हो गई है और सुबह यहाँ पे काफ़ी फॉग लगा हुआ है जो कि आप पीछे देख सकते हो। तो गाइस कल का दिन तो बहुत अच्छा रहा, रात ही बहुत अच्छी गुजरी। यस रात में थोड़ी कोल्ड थी बट कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और अभी सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए। उसके बाद फिर आज का यहाँ लंच बनाएंगे, उसके बाद फिर से बराक रिवर जाएंगे दूसरे एरिया में जहाँ से अच्छा व्यू मिल सके बराक रिवर का। और दिन भर आज पूरा फार्म लाइन को एक्सप्लोर करेंगे और बाद में शाम को बाई इवनिंग घर जाएंगे। तो देखते रहो वीडियो को, आई होप यहाँ के व्यूज़ वगैरह आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कर देना। ये हमारा हट जहाँ पे हम लोग ठहरे थे और गाइस ये है हमारा 4x4 व्हीकल जिससे हम लोग आए थे। कितना ये इसमें नहा सकती है? इसमें क्या मजा आ रहा है सुबह सुबह ये वॉक करने में ना। यहाँ पे पूरा मिस्ट गिरा हुआ है। मैं जा रहा हूँ फिश कुक करने के लिए। तो आवर फूड इज रेडी नाउ, फिश दाल एंड राइस। ही इज ईटिंग फिश। तो हम लोग जल्दी से खाते हैं फिर निकलते हैं बराक रिवर के लिए। गाइस तो अभी हम लोग अपने हट से निकल चुके हैं, अभी बराक रिवर की ओर जा रहे हैं।
ज़्यादा ख़राब है, बहुत मडी रोड है, बिना फोर इंटू फोर ड्राइव के तो बस बोले सी। स्टेशन पे आ चुके हैं, सो नाउ वी रीच्ड ऑन वन ऑफ द लोकेशन। और यहाँ का शेल्टर देखो, तो हम अपनी गाड़ी यहीं पार्क करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। सो ये किसी दूसरे का फॉर्म है, और यहाँ पे अभी हम लोग गाड़ी पार्क करके आगे पैदल जाएंगे बराक रिवर की ओर। तो लेट्स गो। ऑल फाइबर पाइपलाइन आर यूज्ड फॉर वाटर। दिस इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइबर पाइप। दिस फॉर्म इज ऑल्सो गुड। ये यहाँ पे आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता होगा जैन? तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं यार, उन लोगों को मानना पड़ेगा कितना मेहनत करके आते होंगे यहाँ पे। देखो यहाँ राइस उपजाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब इस फॉर्म में आ करके एक से दो महीने रहना यहाँ पे, फिर फार्मिंग करना कितना मुश्किल है। ओ माय गॉड, ह्यूज जंगल, सी द व्यू ऑफ दैट साइड यार, टू अमेजिंग। So, finally we reached our destination. ये है दूसरा व्यू बराक रिवर का। How amazing! Hey guys, तो यहाँ से जो बराक रिवर का व्यू मिल रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग है, आप देख सकते हो। तो ये है बराक रिवर का दूसरा साइड, जहाँ से जो व्यू मिल रहा था वो मैंने आपको दिखाया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग यहाँ पे बात नहीं ले रहे हैं, तो चूँकि बच्चे लोग हैं तो यहाँ पे स्लिपरी है ज़्यादा, तो हम लोग वापस जा रहे हैं हट में, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे और वापस फिर तमेंगलोंग जाएंगे। तो आई होप गाइस आपको यहाँ का व्यूज़ अच्छा लगा होगा, हमारा दो दिन का कैंपिंग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करना। मेरा जस्ट व्यू था कि मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही लोग हैं जो बाहर के यहाँ पे आते हैं। अगर कोई आना चाहे तो वी कैन प्लान फॉर हिम। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।